हेलो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डेल्यूजन्स के बारे में, मतलब मन का पक्का वहम। ऐसे काफी सारे मनोरुग्ण रहते हैं कि उनको मन का पक्का वहम हो जाता है और वो वहम से वो ग्रस्त रहते हैं। उनका तो पक्का विचार वैसा हो जाता है और वो विचारों से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं और उनको समझता नहीं क्या करना क्या नहीं। वो विचारों की वजह से उनको नींद नहीं आती, वो कभी वायलेंट हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं और पूरे तरह वो मतलब मनोरुग्ण का शिकार बन जाते हैं, मतलब मनोविकार का शिकार बन जाते हैं। ये डेल्यूजन्स क्या है, मतलब ये पक्के विचार जो है, वो वहम जो है, वो पक्के इतने पक्के हो रहे हैं, है कौन से? तो कुछ लोगों को ये लगता है कि लोग मेरे पीछे लगे हुए, कुछ ऐसे लोग हैं कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे पकड़ने को आ जाएंगे, मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे मार डालेंगे। या उसको कुछ लगता है ऐसा कि कुछ लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, तो कौन बातें कर रहा है बोले पता नहीं, मगर कोई ना कोई लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, वो मेरे खिलाफ साजिश कुछ तो भी कर रहे हैं और मुझे मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं और मुझे कुछ तो भी कर देंगे। तो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, लोग आपस में मेरे बारे में बातें करते हैं, या लोग मुझे मारने आ रहे हैं, लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं, कुछ CID मेरे पीछे लगी हुई है, CBI मेरे पीछे लगी हुई है, पुलिस मेरे पीछे लगे हैं। पे हुआ क्या, इसका सबूत बता दो। वो सबूत नहीं बता सकता है, उसे मालूम नहीं रहता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बोलता कि नहीं पक्का ही है। कुछ लोगों को यह वहम होता है कि मेरे पत्नी जो है उसका चरित्र बराबर नहीं, या लेडी रहे तो उसको यह वहम आता है कि मेरे पति का चरित्र बराबर नहीं है और उसको लगता है कि नहीं, इसका संबंध बाहर है, वो कुछ ना कुछ बाहर जाती है, किसके साथ में संबंध उसके आते हैं। मैं उसको बोला कि आपके पास में कोई प्रूफ है क्या, कोई प्रूफ बताओ, आप सिर्फ वहम कर रहे हैं ये तो नहीं। बोलता मेरे को, मुझे पक्का बताया गया ऐसा है तो उसके संबंध बाहर है, मतलब उसके मन में वो विचार इतना पक्का हो जाता है। पति होंगे, पति है तो पत्नी के बारे में, पत्नी है तो पति के बारे में, क्यों रहता कि नहीं, ये तो पक्का है ही, मुझे कोई डाउट नहीं है। और वो बाहर जाती है, या वो लेडी बोलती है कि इनके बाहर संबंध है, उन्हें बाहर स्त्री रखी हुई है, शादी की हुई है, मतलब इस तरह का हो जाता है। तो ये हो गया डेल्यूजन्स के बारे में, मतलब इसको बोलते हैं पैरानॉइड डेल्यूजन्स। कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई टीवी में मेरे बारे में बातें चालू है या आकाशवाणी हो रही है रेडियो में और वो मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। भाई टीवी में कहाँ बातें होगी, नहीं बोले वो जो है ना डायरेक्टली मेरा नाम लेते नहीं है, मगर वो जो भी कुछ बोल रहे हैं वो मेरे बारे में है, या आकाशवाणी पर भी मेरे बारे में बात चल रही है। या उसको ऐसा लगता है कि मेरे जो विचार है वो लोगों को समझ में आते, मैं कुछ बोला भी नहीं तभी लोगों को विचार समझ में आते हैं, लोग जान लेते मेरे विचार क्या है, तो और उनको सब पता चलता है कि मेरे बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो मेरे जीवन में क्या हो रहा है उनको पता लगता है। तो इस तरह वो डिल्यूजन की बीमारी, ये डिल्यूजन्स एक तरह की, मतलब डिल्यूजन्स ये लक्षण है और उसकी बीमारी जो है वो स्किजोफ्रेनिया बोलते हैं। इसका इलाज हो सकता है, कोई बीमारी है मतलब ये बीमारी है इसका इलाज होता है, इसमें हेलोपेरिडॉल, ट्राइफ्लुपेरेजिन, ओलेंजेपिन या रेस्पेरिडॉन, ऐसे कुछ कुछ नई नई दवाई निकली हुई है। वो दवाई का इलाज यदि उनसे उनका किया तो वो पूरी तरह अच्छे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा यदि उनको प्रॉब्लम है तो शॉक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और जिससे वो पूरी तरह अच्छे होके अपना जीवन वो जी सकता है। तो ये आप लोगों को बताइए, आपके आजू बाजू में कोई लोग ऐसे होंगे तो उनको ट्रीटमेंट दीजिएगा और उनको एक अच्छा जीवन जीने का मौका दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।